हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके फ्यूचर में या आप अभी अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी बहुत काम आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी एक एआई राइटर है या एआई बोट है जिसकी मदद से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल्स वगैरह लिखवाते हैं चैट जीपीटी से, और उसके अलावा और भी बहुत सारे इससे आप काम ले सकते हैं। बट मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल पोस्ट करते हैं चैट जीपीटी की मदद से लिखवा के। तो ये वीडियो खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि इसलिए है क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल खुद किया है, क्योंकि मैंने खुद एक वेबसाइट पे चैट जीपीटी की मदद से आर्टिकल लिखवाया है। और इससे आर्टिकल लिखवाना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक। यहाँ पे आप इसको जो भी टॉपिक देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ कि बेस्ट एआई टूल्स, कि मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको बोला कि इस टॉपिक पे मुझे एक आर्टिकल चाहिए। तो मैं अभी आपके सामने जो होगा चैट जीपीटी हमें एक आर्टिकल लिख के देगा। अब लोग क्या करते हैं, इसी तरह इसकी मदद से जो है ना कोई भी किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाते थे और अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक बहुत ही जो है ना बड़ा इशू है। यहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी की मदद से अपना कोई भी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और बल्कि इसके अलावा अगर आपने कोई 20-30 आर्टिकल्स पोस्ट कर लिए तो वो आपके बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं, आपको आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब जैसे ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसने हमें आर्टिकल लिख के दे दिया है। तो अब ये मैं इधर कॉपी पेस्ट करके इधर मैं अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देता हूँ तो क्या होगा कि इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरी एक वेबसाइट है ultrapcpro.com, इस पर मैंने ये जितने भी आर्टिकल लिखे ये सारे चैट जीपीटी की मदद से लिखे हैं। बट जब मैंने इसको अप्रूवल के लिए लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ये ईमेल भी आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर साइट इज़ नॉट रेडी फॉर शोइंग एट, तो मेरी जो है वेबसाइट है वो रिजेक्ट कर दी गई। अब यहाँ पे अगर हम इसका रीज़न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो वैल्यू कंटेंट, मतलब ये कि मेरी वेबसाइट में और किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, बस क्या एरर आया कि लो वैल्यू कंटेंट। तो यही मैं आपको बात बताने वाला था कि अगर आप चैट जीपीटी की मदद से अगर कोई भी आर्टिकल अपने पोस्ट करते हैं तो उसका आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको यही एरर फेस करना पड़ेगा, लो वैल्यू कंटेंट। अब लो वैल्यू कंटेंट इसकी वैसे तो और भी रीज़न होती, लेकिन जैसे रीडेबिलिटी या आपकी जो लेंथ होती है पैराग्राफ की वो भी आ सकती, बट वो इसमें नहीं है मेरा, क्योंकि वो सब कुछ ठीक है, मुझे ये एरर आया है चैट जीपीटी की मदद से। अब मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो आर्टिकल्स चैट जीपीटी की मदद से पोस्ट किए जाते हैं गूगल उनको एक्सेप्ट नहीं करता, गूगल की पॉलिसी के ये खिलाफ है। क्योंकि आपको पता है कि चैट जीपीटी जो है फ्री फॉर ऑल, मतलब के फ्री टू यूज़ टूल है, इसको कोई भी फ्री में यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह गूगल ने इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इस तरह तो कोई भी मतलब कि इससे जितने मर्जी चाहे फ्री में आर्टिकल लिखवा के जो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करता है। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं जैसे जैस्पर राइटिंग टूल है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आजकल मार्केट में। तो उसका क्या होता है कि वो जो आर्टिकल आपको लिख के देता है उससे आपको 100% अप्रूवल मिलता है, क्योंकि वो एक पेड है और बहुत ही महंगा आपको कॉस्टली होता है। तो उस पर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो वो आपको पेड सर्विस देता है, एक एआई होता है, लेकिन वो एक आर्टिकल आपको बहुत ही अच्छा और ऑप्टिमाइज एक प्राइवेट होता है, यानी कि ये तो पब्लिक है ना, कोई भी इसको आके यूज़ कर सकता है और ये फ्री फॉर यूज़ है, बट वो पेड होता है, सिर्फ प्रीमियम यूज़र्स उससे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके मोनेटाइज करवा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चैट जीपीटी। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि चैट जीपीटी की मदद से आप आर्टिकल लिखवा के अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे तो आपको यकीनन यही एरर फेस करना पड़ेगा जब आप एडसन अप्रूवल के लिए लगाएंगे। बट हाँ, इसके कुछ और ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट भी बता देता हूँ, एच सुपर टूल्स। अगर आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर आपको एक एआई राइटर मिलेगा। हम इस पे अगर जाएं तो इसमें क्या होगा कि ये हमें 30,000 एआई कॉइंस मिलते हैं और ये एक पेड सर्विस है जो कि आपको फ्री में देती है। हमने क्या करना है, यहाँ पे आप ये एक अकाउंट में आपको 30,000 एआई कॉइंस मिलेंगे, बट आप क्या कर सकते हैं, टेम्प मेल से जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तो इस चीज़ की यानी कि आप इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने करना क्या, इंटेलिजेंस लेवल होता है, इसको आपने फुल कर देना है, मैक्सिमम वर्ड्स इसमें आप 150 ले सकते हैं। अब आपने चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल कोई किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि उसकी आउटलाइंस ले लेनी है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिव मी आउटलाइंस, यहाँ पे आउटलाइंस फॉर द टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक आप जिस भी टॉपिक पे अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं, मैंने जैसे कि बेस्ट एआई टूल्स इस पर मुझे चाहिए, तो मैं इस पर जैसे ही इसको देता हूँ तो ये मुझे आउटलाइंस देगा। तो हमने क्या करना है, इन आउटलाइंस को यूज़ करते हुए अपना आर्टिकल लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है डेफिनेशन ऑफ एआई टूल्स, हमने इसको कर लेना है कॉपी और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है जो भी हमारा होगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद आपने इसको जनरेट पे क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा कि हमें इस चीज़ से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमें आर्टिकल लिख के देगा और ये 100% जो है ना रियल कंटेंट होगा, यानी कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, वैसे अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के दिया है। इसी तरह हमने क्या करना है कि तमाम जितनी भी हमें ये मिलेगी, जितना आप आर्टिकल लिखना चाहें उसकी ये हेडिंग्स उठा के आपने सेम यहाँ पे पोस्ट करनी है और ये आपको आर्टिकल लिख के देगा। इसकी मदद से आप जितना चाहें आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 2000 कॉइन्स जो चले गए। तो इससे आप अनलिमिटेड अकाउंट्स बना सकते हैं, गूगल ईमेल से बनते हैं तो आप टेम्प मेल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रियल मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि बहुत ही जो है ना कमाल का मेथड है, उससे आपको बार बार ये भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा सकते हैं और वो भी 100% यूनिक। वो मेथड मैं खुद यूज़ करता हूँ अपनी वेबसाइट पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाता हूँ कॉपी पेस्ट का काम करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।